हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया में लॉन्च होने वाली टॉप 5 कार्स बताऊंगा जो कभी भी लॉन्च हो सकती हैं, यानी इनका लॉन्च जुलाई या सितंबर तक हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब तो वापस कम हो गए हैं। पहले 15% थे और अब सिर्फ 13% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, बाकी के 87% लोग बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल को जल्दी 1K तक पहुंचाना है। नंबर 1, टोयोटा बेल्टा। विटारा ब्रेजा और बलेनो के बाद टोयोटा मोटर्स मारुति सुजुकी सियाज को भी रीबैच करके इंडिया में एक सेडान लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम होगा टोयोटा बेल्टा, जो कि टोयोटा यारिस को रिप्लेस करेगी। बेल्टा में आपको सियाज से कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, बस इसकी ग्रिल और अलॉय व्हील्स डिफरेंट होंगे। अंडर द हुड टोयोटा बेल्टा में आपको सियाज जैसा ही सेम एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो प्रोड्यूस करेगा 104 bhp ऑफ पावर एंड 138 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। टोयोटा बेल्टा में आपको एक 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, और टोयोटा बेल्टा का इंडिया में लॉन्च अगस्त के लास्ट वीक तक हो जाएगा, और इसकी एवरेज एक्सपेक्टेड प्राइस होगी 8.5 टू 11.5 लाख रुपीज एक्स शोरूम न्यू दिल्ली। नंबर 2, वोक्सवैगन टाइगून। जर्मन ऑटोमेकर वोक्सवैगन भी इंडिया में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में एंटर करने वाला है विद देयर ऑल न्यू वोक्सवैगन टाइगून। टाइगून वोक्सवैगन की फर्स्ट कार होगी टू बी बेस्ड ऑन इंडिया स्पेसिफिक MQB AO आयन प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म स्कोडा कुशाक में भी यूज किया गया है, और सेफ्टी वाइज भी ये प्लेटफॉर्म काफी बढ़िया है, ना कि टाइगून के कॉम्पिटिटर सेल्टॉस जैसा जो कि एक्सीडेंट होने पर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। वोक्सवैगन की न्यू एसयूवी में आपको एक 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो प्रोड्यूस करेगा 155 पीएस ऑफ पावर एंड 175 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, और सेकेंड इंजन होगा एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करेगा 150 पीएस ऑफ पावर एंड 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। वोक्सवैगन टाइगून में आपको 3 गियरबॉक्स के ऑप्शंस मिलेंगे, एक 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक और एक 7 स्पीड ऑटोमेटिक, और इसका लॉन्च अगस्त के लास्ट वीक तक हो जाएगा, और वोक्सवैगन टाइगून की इंडिया में एवरेज एक्सपेक्टेड प्राइस होगी 10 टू 18 लाख रुपीज एक्स शोरूम। और अगर आपको वोक्सवैगन टाइगून का पूरा रिव्यू देखना है तो ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो, साथ ही मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। नंबर 3, न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी सिलेरियो। मारुति सुजुकी भी उनकी हैचबैक सिलेरियो को एक जनरेशन चेंज देने वाले हैं। न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी सिलेरियो सुजुकी मोटर्स के हार्डट्रैक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, और न्यू सिलेरियो एग्जिस्टिंग मॉडल से डायमेंशन वाइज और लुक वाइज भी काफी अलग होगी। न्यू जनरेशन सुजुकी सिलेरियो में आपको एक बेहतर और रिफाइंड 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो प्रोड्यूस करेगा 82 bhp ऑफ पावर एंड 113 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। साथ ही में इसमें आपको एक सेकेंड इंजन मिलेगा, एक 1.0 लीटर का K10B पेट्रोल इंजन। न्यू सिलेरियो में आपको एक 5 स्पीड का मैनुअल और एक AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, और इसकी एवरेज एक्सपेक्टेड प्राइस होगी 4.5 टू 6 लाख रुपीज एक्स शोरूम। नंबर 4, महिंद्रा बोलेरो नियो। महिंद्रा मोटर्स भी अपनी BS4 कार TUV300 को अपडेट और रीनेम करके महिंद्रा बोलेरो नियो को कुछ हफ्तों में लॉन्च करने वाले हैं। द न्यू महिंद्रा बोलेरो नियो में आपको एक न्यू BS6 कंप्लायंट 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर डीजल इंजन मिलेगा, जो प्रोड्यूस करेगा पीक पावर ऑफ 100 bhp एंड 240 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। बोलेरो नियो के सभी वेरिएंट्स में आपको एक 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा, वाइल द एमटी गियरबॉक्स कुछ सिलेक्टेड वेरिएंट्स में ही अवेलेबल होगा, और महिंद्रा बोलेरो नियो की एवरेज एक्सपेक्टेड प्राइस होगी 9 टू 11 लाख रुपीज एक्स शोरूम। और अगर आपको महिंद्रा बोलेरो नियो का पूरा रिव्यू देखना है तो ऊपर आ रहे लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो, साथ ही मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। नंबर 5, न्यू महिंद्रा XUV700। द प्रोडक्शन रेडी मॉडल महिंद्रा XUV700 का डेब्यू जुलाई के लास्ट वीक तक हो जाएगा, और इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च 15 अगस्त 2022 को होगा, क्योंकि लास्ट ईयर थार को भी 15 अगस्त को ही लॉन्च किया था। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि XUV700 भी 15 अगस्त को लॉन्च होगी। XUV700 अपनी सेगमेंट की मोस्ट पावरफुल SUV होगी। XUV700 में आपको एक 2.2 लीटर का टर्बो डीजल और एक 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, और इसमें आपको एक मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के भी ऑप्शंस मिलेंगे। द न्यू महिंद्रा 3-रो SUV XUV700 में आपको सेगमेंट का सबसे बड़ा सनरूफ मिलेगा, साथ ही में इसमें आपको कई क्लास लीडिंग फीचर्स मिलेंगे, जैसे ऑटो बूस्टर हेडलैम्प्स, पर्सनलाइज सेफ्टी अलर्ट्स एंड मोर। और महिंद्रा XUV700 की एवरेज एक्सपेक्टेड प्राइस होगी 14 टू 22 लाख रुपीज एक्स। और अगर आपको XUV700 का भी पूरा रिव्यू देखना है तो ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो, साथ ही मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यही था आज की इस वीडियो में। और अगर आपको इंडिया में आने वाली अपकमिंग SUVs अंडर 10 लाख के बारे में जानना है
तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और मेरी रिसेंट वीडियो देखनी है तो राइट वाली वीडियो देखो, और ये बीच वाले सर्कल को प्रेस करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।